गुड इवनिंग क्लास. इन योर मैथमेटिक्स वी वर स्टडिंग दी चैप्टर 14 दैट इज स्टैटिस्टिक्स. एंड हमने प्रीवियस क्लास में मोड को सॉल्व किया था, यानी हमने एक्सरसाइज 14.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था. आज हमें स्टडी करना है एक्सरसाइज 14.3 और जिसमें हमें मीडियन कैलकुलेट करना है. ठीक है, टिल नाउ वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 जिसमें हमने मीन और मोड को कैलकुलेट करना सीखा है. आज हमें मीडियन को स्टडी करना है. ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का मेथड है वह है मीडियन. मीडियन क्या कहलाती है? सेंट्रल वैल्यू. सेंट्रल वैल्यू क्या है किसी भी डाटा का? वो हमेशा क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है. ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करना सीखना है. ठीक है, तो मीडियन का जैसे कि मान लो सिंपल से एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि मान लो नंबर आपको दे दिया गया 1, 3, 4, 8, 7, 2, 3, 4, 9, या 8, 9, 10. अब आपको उन्हें किसी में से मीडियन कैलकुलेट करके लिखा हो तो इसमें हमारा सबसे पहले काम क्या होता है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कि हमें सबसे पहले इस दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है. क्या करना रहता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी छोटे से बड़े में अरेंज करो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उसके बाद कैलकुलेट करो कि कितने नंबर हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. यानी यहाँ पे जो नंबर है वो ऑड है, 11. तो मीडियन इसमें क्या हो जाता है? n+1/2x, यानी 11+1/2, यानी 6 आ जाएगा. 12 divided by 2, 6. तो 6 टर्म आपको कैलकुलेट करना है. तो 6 टर्म कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है. यानी मेरा मीडियन क्या हो गया? 4 हो गया. ठीक है, तो ये था ऑड के लिए. अगर मान लो इसकी जगह एक और नंबर दे देता मैं 11. अब आपको मीडियन कैलकुलेट करना है फॉर 12 और n इज इक्वल टू 12. यानी अब क्या आ रहा है? और इवन आ जा रहा है. तो इवन के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है n/2. ठीक है, टर्म प्लस n+2/2 यानी दोनों का मीन निकालना रहता है. तो n/2 यानी 12/2 यानी 6th टर्म और 12+2/7 यानी 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2. तो 6th टर्म कौन सा है? 4 है. 6 के बाद वाला 7th टर्म हो जाएगा तो वो कौन सा है? 7 है. यानी 4+7/2 ये कौन सा हो जाता है? ये 11/2, 5.5. यानी ये मेरा मीडियन है. तो इवन और ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगता है जब भी डाटा आपको अनग्रुप्ड फॉर्म में दिया जाए. किस फॉर्म में दिया जाए? अनग्रुप फॉर्म में दिया जाए. लेकिन इसमें हम लोग टोटली क्या स्टडी कर रहे हैं? हम ग्रुप्ड फॉर्म स्टडी कर रहे हैं कि अब हमें जो भी डाटा दिया जाएगा वो ग्रुप फॉर्म में दिया जाएगा. कैसे? जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्लास मार्क है मान लो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है, कि मान लो 10 से 20 नंबर कितने बच्चों ने लाया? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60. तो 10 से 20 मान लो 10 बच्चे लेके आए, 15 बच्चे लेके आए, 8 बच्चे लेके आए, 9 लेके आए, 5 लेके आए. मीडियन में एक और टर्म आ जाता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि सबको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ. मतलब 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 10. ठीक है, अब मैं पूछूं 10 से 30 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 10 से 30 तो 10+15, क्योंकि पहले वाले को भी काउंट करना है और बाद वाले को भी काउंट करना है, यानी 25. यानी इसमें हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दिया. फ्रीक्वेंसी को क्या किया? प्लस कर दिया. तो वो क्या हो जाता है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. फिर मैंने पूछ लिया 10 से 40 कितने बच्चों का है, तो 10+15+8, 33. फिर पूछ लिया 10 to 50 कितने बच्चों का नंबर है, 33+9, 42. फिर पूछ लिया 10 to 60 कितने बच्चों का नंबर है, तो सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो, यानी 47. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है. यानी इंडिविजुअली हर किसी को प्लस करते जाना, इंडिविजुअली सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो. तो देखो ये 10, ये 10+15, ये 10+15+8, ये 10+15+8+9,
और ये 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5, तो ये क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। अब कभी भी, जब कभी भी आपको ऐसे ग्रुप डाटा दिया जाए, तो आपको जो मीडियन कैलकुलेट करना है कि अगर मैं इसमें पूछूं कि 47 बच्चों में मीडियन क्या है, आपको नहीं पता चलेगा, आपको मीडियन निकालना होगा, यानी उनका मीडियन नंबर क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। आप 47 बच्चों के बीच का तो निकाल लोगे कि सर जी ये ऑड नंबर है, n की वैल्यू 47 है, n इज इक्वल टू 47 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 24th टर्म आ जाएगा। तो 24th टर्म तो मेरे को मालूम नहीं है, शुरू से 24th बच्चे का नंबर क्या है नहीं मालूम, लेकिन 24 किसके किसके बीच में आ रहा है, 10 और 25 के बीच में आ रहा है, ठीक है। किसके किसके बीच में आ रहा है, 10 और 25 के बीच में आ रहा है, यानी शुरू के 10 बच्चों के नंबर 10 से 20 है, बाकी के बच्चे 11 से लेकर 25 बच्चों तक के नंबर क्या है, 20 से 30 है। उसमें से हमें एक बच्चे को चॉइस करना है, 24th बच्चे को, उसका नंबर क्या है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना रहता है। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, आपका मीडियन इज इक्वल टू, वेट, एन प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एन अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगाना रहेगा, यानी एल क्या कहलाएगा, ये मीडियम क्लास है मेरा 20 से 30, इसका लोअर लिमिट एल, ठीक है। एन क्या है, टोटल नंबर कितने हैं, 47, तो 47 को 2 से डिवाइड करा दो, ठीक है, 47 को क्या करो, 2 से डिवाइड करा दो। सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी इस मीडियन क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है वो लिखो, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो एफ कहलाएगा। एफ कहलाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्लास लिमिट आपको लगाना है, ठीक है। फिर से एल क्या है, जो मीडियम क्लास आप फाइंड किए हो उसकी लोअर लिमिट। एन कहलाता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में उतनी जाएगी जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो जाएगी। माइनस सी एफ यानी मीडियम क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी प्रीवियस क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो ये आता है मेरा मीडियम क्लास, तो इससे पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 33, इससे 10, तो 10 माइनस करना है। एफ यानी मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी और इनटू एच, एच यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं सारे के सारे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीडियन, मीन, मीडियन मीन एंड मोड, तीनों फाइंड करना है। तो फिर से याद रखिए, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए प्रॉपर रिवीजन है। यहाँ पे एक्स आई दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स आई 65 to 85, 85 to 105, 145 to 165, 165 to 185, and 185 to 205, यानी कैलकुलेशन बड़े होने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है 4, 5, 30, 20, 40, 8, 4। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मीडियन के लिए। तो चलिए फटाफट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, 4 + 5 9, 9 + 13, 22, 22 + 20, 42, 42 + 48, 56, 56 + 8, 64, 64 + 4, 8, sorry, 68। फिर से देखते हैं सही किए कि नहीं, 4 + 5 9, 9 + 13, 22, 22 + 20, 42, 42 + 48, 56, 56 + 8, 64 and ये 68, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, n प्लस सॉरी n प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन
एफ इंटू एच। अच्छा सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन क्लास। देखो मीडियन क्लास क्या है, तो ये तो 68 है, यानी 68 डिवाइडेड बाय 2 यानी 24, यानी 24th मेरा मीडियन क्लास होगा। अब ठीक है, इवन हो चाहे ऑड हो इसमें मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ग्रुप डिटेक्टर है। ठीक है, तो 24th वैल्यू किसके किसके बीच में आ रही है, देखो 4 और 9 में तो 24 आता नहीं है, 22 तक भी 22 है, यानी 22 से लेके 42 के बीच में 24 आएगा, वो 24th वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी मेरा मीडियन क्लास क्या हो गया, ये मेरा मीडियन क्लास है क्योंकि 22 के बाद तो मैं 42 पे आऊंगा ना, तो इसको तो मीडियन क्लास लूंगा नहीं, मीडियन क्लास इसको लूंगा, यानी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 125। तो कैसे लिखोगे, 125 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 कितना है 68 डिवाइडेड बाई 2 34 माइनस इस मीडियम क्लास से पहले तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है 22 अपॉन एफ कितना है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये सारे नंबर्स को आपको अच्छे से याद रखना है, इनटू एच यानी 145 माइनस 125 कितना होगा 20, तो ये 20 और 20 कट गया, 125 प्लस 34 माइनस 22 12 यानी 137 मेरा मीडियम है। ठीक है, यानी ये जो इनको कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 137 क्या आ जाएगा, मेरा मीडियन आ जाएगा। क्लियर है, अब चलिए फटाफट इसमें हमको मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन कैलकुलेट करने के दो मेथड है, आपको जो पसंद है, डायरेक्ट मेथड भी है और एज्यूम मीन मेथड भी है, तो दोनों में आपको जो भी मेथड पसंद है आप लगा सकते हैं, यानी आपको क्लास मार्क्स निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है, मोड निकालना है, तो मोड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या फॉर्मूला था, एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ सॉरी एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसी की है, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा, इस मॉडल क्लास का एल कितना है 125, ठीक है, प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, इसके पिछले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो 30 ले लेना, एफ जीरो तो वही बताता है, फिर 2 इंटू 20 माइनस 30, और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, एच कितना है 20, बस इसको सॉल्व कर लेना, मोड भी आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मीडियन कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल की तरह सेम, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, टफ भी है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मीडियन दिया गया है, पहले से क्लास इंटरवल दिया गया है, जो एक्सरसाइज का डिनोट करते हैं 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और एफ आई आपको दिया गया है 5x 20 50 y 5। ठीक है, और मीडियन आपको पहले से दिया गया है, इसकी टोटल वैल्यू दी गई है, ये 60 के बराबर है, मीडियन भी दिया गया है 28.5 पे। ठीक है, मीडियन भी दिया गया है 28.5 पे। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि इन सबका सम 60 के बराबर आना चाहिए, यानी लास्ट टर्म जो होगा 60 के बराबर ही होगा, तभी तो 60 आना है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना करके, तो ये कितनी, ये तो 5 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 5 + x + 20, 25 + x, 25 + x + y, और ये 45 + x + y, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वाली वैल्यू सेम हो जाती है, यानी 45 + x + y = 60, यानी 45 को अगर इधर माइनस करा दूं तो x plus y कितना आएगा 15, पहला इक्वेशन। क्लियर,
अब 60 है, अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है तो मीडियन कितना हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 यानी 38 टर्म हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2 38 टर्म, और 38 टर्म सोचो किसके बीच में आएगा, यहां तो देखो 5 प्लस x 4 है, यहां शुरू की 5 वैल्यू फिर 5 प्लस x वैल्यू फिर 25 प्लस x वैल्यू, अब मुझे x की वैल्यू का तो अंदाजा नहीं है कि x की वैल्यू कितनी होगी, अब मीडियन कैलकुलेट करना है, तो अगर मान लो अगर x की वैल्यू 1 हुई तो ये 6 और ये 26 उसके बीच में तो आता नहीं है, x की वैल्यू 5 होना जरूरी है तभी आएगा, अब अगर मैं यहाँ देखूँ x प्लस y की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो यानी मेरा मीडियन जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या हो सकता है कि इन दोनों के बीच में लाई करें, ठीक है, ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ने वाला है, तो मेरा जो मीडियन क्लास है वो ये है, मेरा जो मीडियन क्लास है वो ये है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि मीडियन की कितना आ रहा है 28.5 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो मीडियन है वो 38 टर्म है, यानी जो वैल्यू है वो 28.5 है, यानी 20 और 30 के बीच में है, यानी ये मेरा मीडियन क्लास है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, तो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस n की वैल्यू 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 30 माइनस इस क्लास से पहले तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 प्लस x, तो यानी 5 माइनस x नहीं आएगा क्योंकि माइनस दोनों में मल्टीप्लाई अपॉन इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और h की वैल्यू कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई 10 करा दिया, 10 और 10 कट गया, अब 20 प्लस और मीडियन कितना है 28.5, सही मीडियन तो मेरे को दिया गया है, तो 20 प्लस 30 माइनस 5 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, ये 40 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 57, 40 माइनस 57 17 इज इक्वल टू 20 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है 3 आई है, ये 25 है सॉरी, तो x की वैल्यू आ गई 8, अब इस x की वैल्यू को यहां यूज करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि आ गई 7, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा है, 5 मार्क्स का, ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही कर रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, बन जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सरसाइज 14.4 कट चुका है आपके चैप्टर से, मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा और एक सिंपल सा फॉर्मूला है मीन मीडियन मोड का रिलेशन है जो कि पूछा जाता है अक्सर, तो उसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो टिल देन आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है, एंड आपको कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, टेक केयर।